इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एम्पलीफायर किट के बारे में जो आपको मार्केट में 180 रुपीस के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एक रिमोट देखने के लिए मिलता है और यह है इसका मेन सर्किट बोर्ड और कुछ वायर से कनेक्शन के लिए। इसके अंदर और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसको आप साइड में रखते हैं। तो अब देखिए, यह है हमारा जो मेन एम्पलीफायर किट है उसका बोर्ड। इसके साथ जो रिमोट मिलता है, वो रिमोट में आप देखोगे एक इंसुलेटर भी है। अगर आप वो इंसुलेटर को नहीं निकालते हो तो यह जो रिमोट है वो काम नहीं करेगा। और जो वायर्स दिया हुआ है वो आपको पावर सप्लाई के कनेक्शन और स्पीकर के कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। अब देखते हैं हमारा जो मेन बोर्ड है उसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, इसके साथ मेमोरी कार्ड का पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट और यूएसबी का पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ आपको चार्जिंग का फैसिलिटी भी दिया हुआ है। तो इस बोर्ड का एक खासियत है कि इसके साथ इनबिल्ट एम्पलीफायर भी आता है, तो आपको कोई और एम्पलीफायर इसके साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। यह है माइक्रोफोन का पोर्ट। अगर आप इसमें एक माइक्रोफोन कनेक्ट करते हो और उस माइक्रोफोन में कुछ भी ऑडियो देते हो तो वो एम्पलीफाई होके आपका जो स्पीकर है उसमें आउटपुट निकल जाएगा। यह है मेमोरी कार्ड का स्लॉट। अगर आप इसमें एक मेमोरी कार्ड डालोगे और कोई भी गाना चाहो तो चला सकते हो। यह है यूएसबी पोर्ट। इसके मदद से आप पेन ड्राइव और कोई भी कार्ड रीडर को चला सकते हो। यह है ऑक्स पोर्ट। इसमें आप 3.5 mm का जो ऑडियो केबल आता है उसको कनेक्ट कर सकते हो। यह है चार्जिंग पोर्ट। अगर आप इस सर्किट को कोई बैटरी के मदद से पावर देते हो तो उस बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए इस पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड में ऑन ऑफ स्विच देखने के लिए मिलता है, जिसके मदद से आप पूरे सर्किट को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। नीचे की तरफ कुछ बटन्स है, उस बटन्स के मदद से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो और गाना भी बदल सकते हो। और एक बटन है राइट साइड में जिसका नाम है मोड। उसके मदद से आप किस मूड में गाना सुनोगे वो डिसाइड कर सकते हो। आप ब्लूटूथ में गाना सुनोगे और मेमोरी कार्ड में गाना सुनोगे और यूएसबी पोर्ट में गाना सुनोगे वो आप इसके मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। सर्किट बोर्ड का लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एक आईआर सेंसर है। जब रिमोट में कोई भी बटन प्रेस करते हो तो उसका जो सिग्नल है वो आईआर सेंसर डिटेक्ट करता है और आउटपुट देता है। ये मॉड्यूल का पीछे की ओर एक पैनल बोर्ड है। इस बोर्ड में कुछ कनेक्शंस हैं। ये जो रेड वाला स्लॉट है इसके इधर लिखा हुआ है बैटरी प्लस और माइनस। इसका मतलब है आप जो पावर सप्लाई दोगे उसका पॉजिटिव साइड इस साइड में और नेगेटिव साइड माइनस के साइड में कनेक्ट करना है। अगर आप इसको ठीक ठाक नहीं कनेक्ट करते हो तो जो सर्किट बोर्ड है उसको पावर सप्लाई नहीं मिलेगा और जो सर्किट बोर्ड है वो डैमेज भी हो सकता है। आप देख सकते हो इसके साइड में और भी दो स्लॉट है। यह स्पीकर कनेक्शन के लिए है। इधर स्पीकर एक नंबर का जो माइनस होगा वो और इधर पॉजिटिव को कनेक्ट करना है और इधर स्पीकर दो नंबर का जो माइनस और पॉजिटिव इधर कनेक्ट करना है। और उसको साइड में जो FM है उसका एंटीना का कनेक्शन दिया हुआ है। इसके साथ कोई एंटीना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इसके साथ एक वायर कनेक्ट कर लोगे और उसको आप एंटीना की तरह यूज़ करोगे। ये था इस सर्किट बोर्ड का कनेक्शन। तो चलिए आप इसको पावर सप्लाई और स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पावर सप्लाई देने के लिए हम 18650 का जो लिथियम आयन बैटरी आता है उसका एक केस लिया है। जो वायर्स उस बोर्ड का साथ आया था उसका पॉजिटिव साइड के साथ केस का जो पॉजिटिव साइड है वो कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव साइड के साथ केस का जो नेगेटिव साइड है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी लिया है जिसके मदद से हम बोर्ड को पावर सप्लाई देंगे। इस बैटरी का इस साइड है नेगेटिव साइड एंड इस साइड है पॉजिटिव साइड। अब इसको जो केस लिया था हम पहले उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड को पावर देने के लिए ये अब पूरा तैयार हो गया है, तो इसको अब हम साइड में रखते हैं। बोर्ड के साथ जो और एक वायर आया था उसको हम स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
अब यह जो सर्किट है इसमें बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है और सर्किट बोर्ड का जो पॉजिटिव साइड है उसमें ही कनेक्ट करना है। अगर यह गलत हो जाता है तो जो बोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसको हम अब कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद यह जो ऑन ऑफ का स्विच है इसको हम प्रेस करेंगे। ये अब ऑफ कंडीशन में है तो इसको आप ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद इधर एक लाइट ग्लो करता है, इसका मतलब है जो सर्किट है उसमें पावर आ गया है और सर्किट बोर्ड चालू हो गया है। अब इसको ऑफ कर देते हैं तो देखिए लाइट ऑफ हो गया है। फिर से ऑन करते हैं तो लाइट फिर से चालू हो गया है। अब जो स्पीकर का वायर है उसको भी बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। स्पीकर के जो वायर है अगर वो गलत जगह पे लग जाता है तो उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अच्छा है उसको आप पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड ही कनेक्ट करें। स्पीकर को कनेक्ट करने के बाद अब इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कोई साउंड आता है या नहीं। यह ब्लूटूथ मोड में था तो ये ऑटोमेटिक ब्लूटूथ मोड में ही चला गया। रिमोट का जो मोड बटन है उसको प्रेस करके देखते हैं यह काम करता है या नहीं। FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. ये ठीक ठाक ही काम कर रहा है। इसका जो USB पोर्ट एंड मेमोरी कार्ड का जो पोर्ट है वो क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जब इसमें आप कोई पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डालोगे उसके बाद ही यह काम करेगा। जब इसके साथ आप कोई मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे उसके बाद आप जब मोड में प्रेस करोगे तो यह काम करेगा। आप ब्लूटूथ में कोई गाना चला के देखते हैं। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले सर्किट बोर्ड को ऑन कर लेते हैं। अब हमारा फ़ोन का जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है उसमें क्लिक करके ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। अब जो एक आइकॉन शो हो रहा है TSBT003 करके, उसके ऊपर क्लिक करके सर्किट के साथ पेयर कर लेते हैं। अब ये इसके साथ पेयर हो गया है। अब हम कोई भी गाना चला के देखते हैं कैसा साउंड आता है। अब स्पीकर को दूसरे साइड में कनेक्ट करके देखते हैं। अगर आप रिमोट का जो पॉज का बटन है उसमें क्लिक करोगे तो यह गाना पॉज हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो यह गाना फिर से चालू हो जाएगा।
इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। मेरा रिकमेंड है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक कंप्लीट सर्किट है, इसमें सिर्फ आपको पावर केबल का जो कनेक्शन है वो देना है और स्पीकर का कनेक्शन देना है और कुछ नहीं करना है। इस सर्किट में आपको चार्जिंग का फैसिलिटी भी दिया हुआ है, तो आप इसमें से आपका जो बैटरी होगा उसको भी रिचार्ज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और शेयर करने मत भूलना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।